हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हिंदी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें अपने वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से वाक्य बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको कहा था, तीन या चार ऐसे लेक्चर हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से वाक्य हुआ, क्रिया हुआ, संधि हुआ, समास हुआ। ये चार ऐसे लेक्चर हैं या चार ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से स्टूडेंट हमेशा क्वेश्चन पुट होता है। अब आता है वाक्य। अब वाक्य है क्या? डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि शब्दों के एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के एक सार्थक समूह को, देखिए छोटे छोटे शब्द मिलकर जब एक सार्थक समूह क्रिएट करते हैं ना, सार्थक समूह बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। अब शब्द कहाँ से आया? शब्द वर्णों से मिलकर बना होता है। वर्ण क्या होते हैं? मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाया था। वर्ण की क्या डेफिनेशन होती है बच्चा? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं। और वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द बोलते हैं। वर्णों से मिलकर बने शब्द और शब्दों से मिलकर बनते हैं स्टूडेंट वाक्य। इट मीन्स वर्ण सबसे छोटी इकाई हुई और वाक्य सबसे बड़ी इकाई है स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी अपने बोलो ध्वनि क्या होती है, तो उसे बोलते हैं वर्ण बोलते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य बोलते हैं। ये मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। अब आती है हमारे पॉइंट की बात। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ से पूछा गया था कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो स्टूडेंट वाक्य के दो अंग होते हैं। तो सबसे पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। अब ये उद्देश्य क्या है, ये विधेय क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। उद्देश्य को बोलते हैं कर्ता और विधेय को बोलते हैं कर्म क्रिया। उद्देश्य जिसमें कर्ता आता है और विधेय जिसमें कर्म और क्रिया दोनों आते हैं। अब उद्देश्य की डेफिनेशन क्या है, ताकि आपको मालूम चल जाएगा कि उद्देश्य को कर्ता क्यों कहते हैं। देखिए, उद्देश्य जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उद्देश्य। और मैं आपको क्रिया करवा रहा था, जब मैंने आपको कारक करवाए थे, तो जो कर्ता कारक था वो क्या था कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या बोलते हैं? कर्ता। और उद्देश्य क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और कर्ता की डेफिनेशन भी यही थी, जिसके बारे में, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे कर्ता बोलते हैं। एक तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि उद्देश्य ही कर्ता है और कर्ता ही क्या है बच्चा? उद्देश्य है। और यदि कर्ता के साथ, कोई विशेषण लगा हुआ है, कर्ता के जस्ट पहले यदि कोई विशेषण लगा है तो उसे कर्ता का विस्तारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता का विस्तारक। पहली बात आपको क्लियर हो गई कि वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोला जाए, किसी भी वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी बोला जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और कर्ता की डेफिनेशन भी होती है कि जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में जो कुछ बोला जाता है उसे कर्ता कहते हैं। तो उद्देश्य ही कर्ता है और कर्ता ही क्या है बच्चा? उद्देश्य है। यदि कर्ता के पहले कोई विशेषण लगा है तो बच्चा वो क्या होगा? कर्ता का विस्तारक होगा। एक उदाहरण लिखा हुआ है आपके सामने, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। अब एक उदाहरण के तौर पर इसको देखिए, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। मैंने आपको कर्ता को पहचानने की ट्रिक बताई थी कि वाक्य के में कौन लगा के देखिए, कौन धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है? मेरा भाई प्रशांत। क्या बच्चा?
मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। मैंने कहा था यदि आपको कर्ता ढूंढना है तो कौन लगाइए, धार्मिक पुस्तकें, कौन धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, तो उत्तर आया मेरा भाई प्रशांत। यानी इस पूरे वाक्य में जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, कर्ता। मैंने कहा जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ भी बोला जाता है इस पूरी उदाहरण में, इस पूरे वाक्य में किसके बारे में बोला जा रहा है कि वो धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, प्रशांत के बारे में। इट मीन्स कर्ता कौन हो गया, प्रशांत। अब कर्ता की विशेषता बता रहा है मेरा भाई, यानी मेरा भाई क्या हो गया बच्चा, कर्ता का विस्तारक। कौन हो गया, कर्ता का विस्तारक। वाक्य के दो अंग थे, पहला अंग था उद्देश्य और दूसरा अंग है विधेय। उद्देश्य ही कर्ता होता है, जिस वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ भी बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कर्ता बोलते हैं। यदि कर्ता के पास कोई विशेषण है या कर्ता के साथ कोई विशेषण लगा है तो वो कर्ता का विस्तारक होगा। जैसे मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। मैंने आपको कहा था यदि कर्ता को फाइंड करना है तो पहले शब्द के आगे कौन लगाइए, कौन धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो आंसर आया मेरा भाई प्रशांत। यानी इस पूरे उदाहरण में ज़्यादा क्रियाशील कौन है, प्रशांत, तो कर्ता हो गया। और कर्ता की विशेषता बता रहे यानी मेरा भाई, तो वो कर्ता का क्या हो गया, विस्तारक। अब नेक्स्ट है विधेय, जिसमें कर्म और क्रिया दोनों आते हैं। अब विधेय क्या होता है, जैसे उद्देश्य को कर्ता बोला जाता है, कर्ता को ही क्या बोला जाता है, उद्देश्य। उसी प्रकार विधेय को कर्म या क्रिया बोला जाता है। अगर कर्म या क्रिया वाक्य में है तो यानी उसमें विधेय है। तो अब मैं इसको कैसे डिफाइन करूँगा, अगर डेफिनेशन में बताना हो तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बोला जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बोला जाता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे क्या बोलते हैं, विधेय। क्या बोलते हैं, विधेय। अब विधेय में क्रिया भी होती है और कर्म भी होता है। यदि क्रिया के आगे कोई विशेषता लगी है तो वो क्रिया की विस्तारक होगी, यदि कर्म के पहले कर्म की विशेषता लिखी है तो वो कर्म का विस्तारक होगी। अब जैसे मैंने आपको कहा था उद्देश्य जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे उद्देश्य बोलते हैं। उद्देश्य के बारे में जो, यहाँ जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में, यहाँ उद्देश्य के बारे में, मतलब यहाँ तो जिस व्यक्ति या वस्तु के उसे उद्देश्य बोलते हैं, और यहाँ डायरेक्ट उद्देश्य के बारे में जो कुछ बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विधेय। तो उद्देश्य की जगह मैं कर्ता यूज कर सकता हूँ कि कर्ता के बारे में जो कुछ भी बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, विधेय। और मैंने आपको कारक में ये बताया था कर्ता कुछ भी कर्म करता है, कुछ भी कार्य करता है वो उसे बोलते हैं कर्म। यदि वो कर्म के अनुसार कार्य करता है तो सकर्मक होगा, कर्म के अनुसार कार्य नहीं करता, यदि उसमें कर्म नहीं है तो अकर्मक है। तो कर्ता के अनुसार कर्म क्रिया ये मैंने आपको सारा समझा दिया था। यानी ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, उद्देश्य को कर्ता बोलते हैं और विधेय को कर्म और क्रिया बोलते हैं। ये उदाहरण एक और था, इसमें मैंने आपको कर्ता के बारे में बता दिया था, अब मैं आपको क्रिया और कर्म के बारे में बताता हूँ। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। मैंने आपको बताया था यदि कर्म निकालना हो तो कर्म क्या, अपने कहते ना क्या किसको लगाओ, ये दोनों चीज़ लगाने से जिसका आंसर मिलता है ना बच्चा वो क्या होता है, कर्म। मेरा भाई प्रशांत क्या अधिक पढ़ता है, मेरा भाई प्रशांत किसको अधिक पढ़ता है, दोनों ही ऑप्शन में क्या या किसको लगाने से आया, धार्मिक पुस्तकें। यानी इसके अंदर क्रिया क्या होगी बच्चा, सॉरी कर्म क्या हो गया, पुस्तक, क्योंकि वो पढ़ने का काम क्या कर रहा है, पुस्तक। यानी कर्म तो हो गया पुस्तक, और अब कर्म को और डिफाइन कर रहे हैं तो कर्म का विस्तारक कौन हो गया, धार्मिक। अब देखिए मेरा भाई प्रशांत, प्रशांत हो गया मेरा कर्ता, ये कर्ता का विस्तारक, क्या अधिक पढ़ता है, क्या मिलने से, पुस्तकें, पुस्तक क्या हो गया, कर्म, और धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है यानी कर्म का विस्तारक हो गया, अधिक पढ़ता है। पढ़ना क्या है बच्चा, एक क्रिया है, तो क्रिया मेरी क्या आ गई, पढ़ना, और वो पढ़ता कैसे, अधिक पढ़ता है, यानी क्रिया का विस्तारक क्या हो गया, अधिक। तो इस पूरे के पूरे उदाहरण या वाक्य में मैंने आपको बता दिया कर्ता क्या होता है,
जो कर्ता की विशेषता को बताता है वो कर्ता का विस्तारक होता है। कर्म जिसके वाक्य में क्रिया के पहले क्या या किसको लगाने से यदि आंसर मिलता है तो वो कर्म होगा। जो कर्म की विशेषता को बताएगा वो कर्म का विस्तारक होगा। क्रिया आपको फाइंड करनी आती है। नेक्स्ट है, अब मैंने इसको बताया था, देखिए मेरा भाई प्रशांत यानी कर्ता हो गया, कर्ता का विस्तारक मेरा भाई हो गया। कर्म पुस्तक होगी, कर्म का विस्तारक कौन हो गया, कर्म का विस्तारक धार्मिक हो गया। क्रिया पढ़ता है, क्रिया का विस्तारक कौन हो गया, अधिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पूछा गया था लास्ट ईयर, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। उद्देश्य मीन्स क्या होता है बच्चा, कर्ता। अगर आप ये भूल जाते हो तो कर्ता तो पता है ना, कर्ता क्या होता है बच्चा, जो कार्य को करता है। जो वाक्य में कोई भी कार्य हो रहा है ना, उसको करने वाला क्या होता है बच्चा, कर्ता। मोहन बाजार जा रहा है, अब बाजार कौन जा रहा है बच्चा, मोहन, क्योंकि काम कौन कर रहा है, मोहन। तो यहाँ से कर्ता क्या निकल आया, मोहन। और कर्ता को ही क्या बोलते हैं, उद्देश्य है। यदि आपको यहाँ से भी समझ नहीं आ रहा तो वाक्य के आगे लगा के देखिए, कौन बाजार जा रहा है, यदि कौन का उत्तर मिल जाए ना, कौन जा रहा है, मोहन, तो मोहन क्या हो गया बच्चा, मेरा उद्देश्य है। जा रहा है तो जा रहा है क्या बच्चा, क्रिया हो गई। नेक्स्ट देखते हैं अपने, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना था एग्जाम में वो बना था वाक्यों का वर्गीकरण। देखिए वाक्यों का वर्गीकरण कैसे होता है स्टूडेंट, दोनों ही टाइप इंपॉर्टेंट है। वाक्यों के वर्गीकरण के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। देखिए स्टूडेंट, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, कितने, तीन प्रकार के, और अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं। इस पूरे लेक्चर में अपने देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य जो तीन प्रकार के होते हैं वो किस प्रकार क्या होते हैं, उनसे जो डिपेंडेड क्वेश्चन बनते हैं उनको पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य जो आठ प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, सबसे पहला विधानवाचक, फिर निषेधवाचक, उसके बाद अपने पढ़ेंगे पहला विधान, फिर निषेध, फिर आज्ञार्थक, फिर प्रश्नार्थक, फिर इच्छार्थक, फिर संदेहार्थक, विस्मयादि और संकेतवाचक। ये आठ जो टाइप है ना, ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इन दोनों टाइपों पर क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं आपके लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले देखते हैं अपने रचना के आधार पर। देखिए स्टूडेंट, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, कितने, तीन प्रकार के। सबसे पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। वो क्या देते हैं, वो क्वेश्चन इस प्रकार देगा, बताइए अर्थ के आधार पर, या बोलेगा रचना के आधार पर निम्न में से कौन सा, रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है, इनमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो रचना के आधार पर नहीं आता। तो यहाँ वो दे देगा अपने को विस्मयादि। तो अपने को फाइंड करना है कि विस्मयादि तो अर्थ के आधार पर होता है, या अपने को अर्थ के आधार पर जो आठ है ना, उनमें से तीन तो वो अर्थ के आधार पर दे देगा और चौथा इनमें से दे देगा, बताइए निम्न में से कौन सा अर्थ के आधार पर नहीं है। तो अपने को ये ध्यान देना है, रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो वाक्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 70% इन दोनों टाइप से, और 30% जो रह गए वो पूछे जाते हैं अर्थ के आधार पर। इट मीन्स एक तरह से टोटली 95% तो इनसे ही पूछ लेता है वो, इन दोनों से। जो 5% वो रह गए वो कभी उद्देश्य का क्वेश्चन पूछ लेता है, या सीधा पूछ लेता है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। तो सरल वाक्य बहुत ईजी वाक्य है और कभी एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं गया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सरल वाक्य क्या होता है। अब वाक्य की डेफिनेशन देखिए, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है। मैंने अभी बताया था ना कि जिस वाक्य में उद्देश्य के बारे में बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, कर्ता। विधेय को क्या बोला जाता है, विधेय को बोला जाता है कर्म और क्रिया। उसने बोला है कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है उसे क्या बोलते हैं, सरल वाक्य। उसने कहा है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य है और एक
क्या हो बच्चा? एक करता हो, सॉरी एक क्रिया और एक करता हो, उसे क्या बोलते हैं? सरल वाक्य है। अब क्रिया को मैं क्या बोल सकता हूँ? विधेय बोल सकता हूँ, और मैं कर्ता को क्या बोल सकता हूँ? उद्देश्य है। यानी मैं डेफिनेशन थोड़ी चेंज कर सकता हूँ कि ऐसे वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो उसे क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। तो ये डेफिनेशन है, जिस वाक्य में केवल एक क्रिया और एक ही कर्ता हो उसे बोलते हैं सरल वाक्य। मैं इसको डेफिनेशन को चेंज कर सकता हूँ, क्रिया की जगह मैं विधेय लिख सकता हूँ और कर्ता की जगह मैं उद्देश्य लिख सकता हूँ। तो डेफिनेशन क्या बन गई? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है उसे अपने सरल वाक्य बोलते हैं, और सरल वाक्य को अपने साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साधारण वाक्य। नेक्स्ट है बच्चा, किस वाक्य में एक उद्देश्य अर्थात कर्ता व एक विधेय अर्थात क्रिया होती है? इस डेफिनेशन से क्लियर हो गया था। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं अपने बच्चा। अब उदाहरण देखिए बच्चा, अमित खाना खाता है, अमित खाना खाता है, अमित क्या हो गया बच्चा? एक उद्देश्य। उसने बोला था कि जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही क्या विधेय, उद्देश्य मिल गया अपने को, अमित खाता है यानी क्रिया आ गई। तो यहां से अपने को क्या मिल गया? यहां से अपने को मिल गया कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय हो उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सरल वाक्य। ठीक है। अब इसके अलावा कर्म आए, कर्म से अपने को कुछ नहीं लेने देना। अपने को पता है कर्ता हो और क्रिया हो, उसके अलावा कुछ मर्जी हो, लेकिन अपने को कर्ता और कर्म होना, कर्ता और क्रिया होना जरूरी है। रामू पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है? रामू यानी कर्ता हो गया, पढ़ता है यानी क्रिया हो गया, क्या पढ़ता है? कर्म हो गया। लेकिन उसने अपने से पूछा था जिसमें एक कर्ता व एक विधेय हो। मीना नाचती है, रोहन खेलता है, मीता दौड़ती है, कौन दौड़ती है? मीता, दौड़ना एक क्रिया है, रोहन खेलता है, कौन खेलता है? रोहन। इट मीन्स उद्देश्य तो हो गया, खेलना क्रिया हो गया, आकाश भागता रहता है। तो आकाश क्या है बच्चा? कर्ता। और अपने को पता है कि रन भागना क्या है बच्चा? क्रिया। श्याम पढ़ाई करता है, श्याम क्या है बच्चा? कर्ता। और पढ़ाई करना वो क्या है बच्चा? वो क्रिया है। भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियां रहती हैं। अब देखिए, देखने को तो ये वाक्य बहुत बड़ा है, देखने को ये वाक्य बहुत बड़ा है, भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जाति जनजातियों के लोग रहते हैं। अब देखिए, वाक्य कितना भी बड़ा हो अपने को उससे कोई लेना देना नहीं बच्चा। अपने को ढूंढना है कि वाक्य में कोई जोड़ने वाला शब्द ना लिखा हो, इसमें कोई ऐसा अपने को दिख रहा है कोई अवयव दे रखा है जो इनको जोड़ रहा है, एक सिंपल वाक्य दे रखा है। भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं, कहीं पर भी यह वाक्य किन्हीं दो चीज़ों से जुड़ा नहीं है, सीधा एक ही वाक्य है। वाक्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बस वो किसी से जुड़ा ना हो, जैसे श्याम पढ़ाई करता है, कोई अदर से जुड़ा है। भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं, डायरेक्ट एक ही वाक्य है, ना तो इसके अंदर कोई इसका सब वाक्य है जो इस पर आधारित हो। तो भारत के पूर्वोत्तर में, तो भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं, तो क्या हो गया? सरल वाक्य है। वह परीक्षा देने के लिए दिल्ली जा रही है। अब देखिए, जा रही है और वह परीक्षा देने के लिए, कर्ता तो कौन हो गया? वह, और दिल्ली जा रही है मतलब जाना क्या हो गया? क्रिया। अब ये खामखां बस वाक्य को बढ़ाने के लिए है, अगर इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं जुड़ा तो वाक्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो क्या होगा? वो सरल वाक्य है। आगे आप जाके देखोगे कि मैं आपको जो अवयव के बारे में बता रहा हूँ ना, वो आपको मिश्र वाक्य है और जो तीसरा वाक्य है ना संयुक्त वाक्य, उसमें आपको सारी की सारी बात क्लियर हो जाएगी कि ये में इतना बड़ा वाक्य होने के बावजूद भी ये सरल वाक्य में क्यों है, ये सारे के सारे छोटे वाक्य हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, देखिए जब मैं स्कूल में था मैं भी गलती करता था कि जो सबसे छोटा वाक्य होगा ना बच्चा वो क्या होगा? सरल वाक्य। छोटे वाक्य से कोई लेना देना नहीं है, अगर वाक्य किसी भी चीज़ से जुड़ा नहीं है, वाक्य बहुत चीज़ों से जुड़ा होता है, वो आगे मैं बताऊंगा किन चीज़ों से जुड़ा होता है। वाक्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो किसी से जुड़ा ना हो, अब देखिए किसी से जुड़ा नहीं है, भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं। अगर मैं ये कहता कि श्याम पढ़ाई करता है परंतु फेल हो जाता है, अब देखिए परंतु शब्द आ गया ना, परंतु से जुड़ा हुआ है,
तो ये और ही वाक्य बन जाएगा, इसमें नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने, अब नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य की परिभाषा। देखिए, ऐसे वाक्य जिसमें दो से दो, दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, वह सभी उपवाक्य प्रधान हों, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य व एक विधेय होते हैं। अब संयुक्त वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों, यानी वो दोनों कनेक्टेड हों। अब संयुक्त का अर्थ क्या है? जिसमें दो वाक्य हों। और सरल क्या था? जिसमें एक ही वाक्य हो और वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। और संयुक्त वाक्य है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो अगर किसी से दो, किसी से जुड़ा हुआ है ना बच्चा, वो क्या होगा? संयुक्त वाक्य है। और दोनों वाक्य क्या होते हैं बच्चा? प्रधान। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त होते हैं। ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, एवं संयोजक अवयव इन वाक्यों को मिलाते हैं। ये बात सबसे बड़ी है कि जो ये दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं, इनको संयोजक अवयव मिलाते हैं। बस यही अपने कीवर्ड हैं, अपने को बस एग्जाम फाइट करना है। अगर आपको इसके संयोजक वर्ड मैं आपको बता दूँ ना, तो ज़िंदगी भर आपका मिश्र वाक्य गलत नहीं होगा। तो देखिए, संयुक्त वाक्य में संयोजक वर्ड क्या होते हैं? कहीं पर आपको और लिखा मिले, एवं लिखा मिले, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो नहीं, तो नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, बल्कि, वरना, नहीं, तो, सो, वह, ना, नैने, या, ये वाक्य यदि जुड़े हो ना बच्चा, इन वाक्यों को मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इन वाक्यों को आपको कंठस्थ कर लेना है बच्चा। अगर अब सरल वाक्य तो आप पहचान गए, वो किसी भी अवयव से नहीं जुड़े होते, वो चाहे कितना ही बड़ा वाक्य क्यों ना हो, यदि इनमें से कोई भी वर्ड वो उसके साथ नहीं है ना बच्चा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बच्चा सरल वाक्य। अगर जुड़ा हुआ है ना बच्चा, उसको बोलेंगे, यदि किसी भी वाक्य में ये शब्द आपको मिल जाते हैं, तो वो क्या होगा? संयुक्त वाक्य। देखते हैं अपने, अभी मैंने आपको बताया था कि जो संयुक्त वाक्य है ना बच्चा, वो इन वाक्यों से जुड़े होते हैं, और, एवं, तथा, या, अथवा, या, नैने, सो, वै, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, बल्कि, वरना, नहीं, इसलिए, अतः। अगर ये वाक्य में जुड़े हुए हैं, देखिए मीना बहुत बीमार थी, अगर इतना सा वाक्य आता है ना बच्चा, इतना सा वाक्य, तो वो होता सरल वाक्य। कौन सा? सरल वाक्य। मैंने कहा था दो सरल वाक्यों से जुड़कर क्या बनता है बच्चा? संयुक्त वाक्य। अब देखिए, इसमें कर्ता है और क्रिया थी, ठीक है। अगर अपने फाइंड करना चाहते तो, मीना बहुत बीमार थी, अतः स्कूल नहीं आई, अतः स्कूल नहीं आई, इसको भी चेक करेंगे अगर ये होता कि सरल वाक्य है या नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सरल वाक्य है या नहीं। अपने क्या सरल वाक्य में क्या ढूंढते? उद्देश्य और क्रिया। उद्देश्य तो अपने को मिल जाता, क्रिया नहीं मिलती, तो ये क्या होता बच्चा? होती तो ये सरल वाक्य बन जाता, लेकिन क्रिया नहीं है, तो ये क्या हो गया बच्चा? ये नहीं है। अब अपने को ढूंढना है संयुक्त वाक्य, और मैंने कहा था जिस वाक्य में ये वाले वर्ड दिए ना बच्चा, देखिए अतः, अतः यहाँ दिया हो ना, तो अतः स्कूल नहीं जा सकती। मैंने कहा ये कीवर्ड जहाँ भी आपको मिल जाए ना, ये संयोजक अवयव, वो वाक्य क्या होगा? वो वाक्य होगा संयुक्त वाक्य। मैं आया और वह गया, एक वाक्य तो ये है, एक वाक्य वो है। कर्ता इट मीन्स मैं, गया आया मीन्स आना, ये होगी हमारी क्रिया। ये एक सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य है, दो सरल वाक्य और संयोजक से जुड़े हुए हैं, तो उसे बोलते हैं संयुक्त वाक्य। मेरी पैर पर लग गई और दर्द होने लगा, और से जुड़ा हुआ है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हो सका। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। इसमें पर, ये देखिए पर, ये लिखा हुआ पर से। नेक्स्ट है बच्चा, मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया। अब देखिए इसलिए ये रहा। नेक्स्ट है, मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ पाया। तो फिर भी क्या बच्चा? फिर भी एक संयोजक अवयव है, ये देखिए फिर भी। नेक्स्ट है, हम न घर के रहे न घाट के। मैंने कहा था न से जुड़े होना बच्चा, वो क्या होते हैं? न या,
हम न तो घर के रहे न घाट के, नए से जुड़े हुए हैं। मैंने परीक्षा दी पर मैं फेल हो गया पर से, जल्दी तैयार हो जाओ नहीं तो बस चली जाएगी। नहीं तो, अब नहीं तो देखिए ये रहा, अगर ये किसी भी वाक्य में शब्द आगे ना बच्चा, ये संयोजक अवयव वाले एक तरह के कीवर्ड्स हैं। अब सरल वाक्य आप पहचान सकते हो। अब ये आपको मैं एक वाक्य दे दूँ, एक वाक्य दूँ तो आप पहचान लोगे ना कि कौन सा सरल है कौन सा संयुक्त है। संयुक्त वाक्य की विशेषता है कि उसमें ये कीवर्ड छुपे होते हैं, और सरल वाक्य में कोई कीवर्ड्स नहीं छुपे होते। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट है स्टूडेंट मिश्र वाक्य। सरल वाक्य हो चुका है, मिश्र वाक्य हो चुका है, अब देख संयुक्त वाक्य हो चुका है, मिश्र वाक्य देखिए। ऐसे वाक्य हैं जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, उसे बोलते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है व दूसरा उस पर आश्रित। यानी अपने को ऐसे वाक्य ढूंढने हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य हो और एक प्रधान पर डिपेंडेंट वाक्य हो, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, आश्रित हो, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र वाक्य। इस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रिया भी होती हैं। मैंने आपको क्रिया के बताए थे, मतलब नज़दीक के निकट के आधार पर समापिका व असमापिका क्रिया होती हैं, लेकिन ये चीज़ अपने को नहीं पढ़नी, इतनी कन्फ्लिक्ट चीज़ें नहीं पढ़नी। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्यों को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो आपस में कीवर्ड होते हैं वो ये होते हैं, कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, तो, ज्यों ही, तब, जब तक, जहाँ तक, जहाँ, भले ही, जैसे जैसे, वैसे वैसे, जो, जो के आगे टाइप हैं, जिस जिस जिसे, जिन्हें, जिनका, जो सो, जब तक, तथापि, यद्यपि, जिधर उधर, उतना जितना, अगर आदि का प्रयोग हो। यदि इनमें से कोई भी कीवर्ड्स मिल जाए, मैंने आपको एक बताया था सरल वाक्य तो आप पहचान सकते हो, अब रहे मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के कीवर्ड्स याद करने की। अब कहोगे सर हम दोनों के कीवर्ड्स कैसे याद करें, भाई आप एक के कीवर्ड याद कर लो, दूसरे के मत करो। अगर इनमें से कोई कीवर्ड्स आ गए तो ये तो मिश्र वाक्य हैं, यदि कोई और कीवर्ड आ गया तो बच्चा वो क्या हो गया, संयुक्त वाक्य है। कितना ईजी काम हो चुका है, आप चाहे संयुक्त वाक्य कीवर्ड याद कर लो चाहे मिश्र वाक्य को। मुझे ये बताओ कि जो मैंने संयुक्त वाक्य के कीवर्ड्स बताए थे उनमें से कोई कीवर्ड्स यहाँ पर रिपीट हुआ है, नहीं हुआ ना बच्चा। तो चाहे आप तो संयुक्त के कर लो चाहे मिश्र के कर लो, सरल के तो कुछ है ही नहीं बच्चा। सरल तो सिंपल है, मैंने कहा था जितना मर्जी वाक्य बड़ा हो लेकिन वो किसी अवयव से ना जुड़ा हो। यदि इन अवयव से जुड़ा है तो वो होगा मिश्र, अगर संयुक्त के अवयवों से जुड़ा है तो वो संयुक्त होगा। तो वाक्य कितना मर्जी बड़ा हो यदि वो अवयवों से जुड़ा है तो वो तो या तो मिश्र या संयुक्त होगा, नहीं जुड़ा तो सरल होगा। अब आप कोई भी एक याद कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं तो हमेशा यही राय देता हूँ कि मिश्र को पढ़िए संयुक्त रहने दीजिए, अगर इनमें से कोई आ गया तो मिश्र है, नहीं आया तो वो क्या संयुक्त। अगर कोई तरह दोनों याद कर सकते हो तो मच बेटर है, वैसे इतनी बड़ी याद नहीं है, दोनों को याद करने का बहुत ईजी वे है। अब देखिए इस पर कुछ उदाहरण देखते हैं। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो, मैंने कहा था जिसने। अब देखिए वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाराणा महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो, ये देखिए जो के अंदर आएगा। अब इसके अंदर ही जो वाले जितने भी वर्ड हैं, जिस जिसे जिन्हें जिनका, या आप यहाँ भी लिख लीजिए जिसने, यहाँ लिख लीजिए नहीं लिखा तो, जिसने वर्ड से यदि कोई जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा बच्चा, मिश्र वाक्य। अमित ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का है, तो देखिए जो, जो से जुड़ा हुआ है, ऊपर जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए जो। यह वही भारत है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, यह वही भारत है, क्या बच्चा, यह वही भारत है जिसे पहले कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, जो औरत वहाँ बैठी है वो मेरी माँ है,
तो जो वो, देखिए जो वो से जो वाक्य जुड़े हुए हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मिश्र वाक्य। देखिए जो, यहाँ एक लिख लीजिए जो, डैश लगा के लिख लीजिए वो। कुछ उदाहरण जैसे जो सो, जो वो, जो खाएगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। जो सो आ गया ना, जो वो, तो एक जो वो भी लिख लीजिए। देखिए कई बार मैं लिखना भूल जाते हैं जल्दी जल्दी बाजी में, तो यहाँ से आप लिख लीजिए, यदि जो वो, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। तो एक बात और कह दूँ स्टूडेंट, कि जो कनेक्टेड वाक्य होते हैं ना वो कहाँ भी लग सकते हैं। ये मत कहना कि सर वो आगे लग चुके हैं, वो स्टार्टिंग में भी लग सकते हैं और बाद में भी लग सकते हैं। जो वह, नेक्स्ट देखिए, जो यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण होगे, यदि तो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो ये की से, ये तो से, जो वह से, जो वो से, यह जिसे, ये सारे के सारे वाक्य क्या हैं बच्चा, ये सारे के सारे वाक्य हैं मिश्र वाक्य। अब मैं आपको कुछ उदाहरण और बताता हूँ। सचिन ने पूछा कि तुम कहाँ गए, सचिन ने पूछा कि तुम कहाँ गए, तो की वर्ड लगा हुआ तुम कहाँ गए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, की लगा हुआ है। फिर जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, तो जो वर्ड पहले लगा हुआ है ना बच्चा, वो भी क्या होगा बच्चा, वो भी मिश्र वाक्य होगा। मिश्र वाक्य में आपको कनेक्टेड वर्ड स्टार्टिंग में दिख सकते हैं। क्या दिख सकते हैं, स्टार्टिंग में। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। तो जो वो से जुड़े हुए ना, जो औरत वहाँ बैठी है वो मेरी माँ है, तो जो वो, इस प्रकार आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, जब काम ख़त्म हुआ तब हम सैर करने निकल गए, जब काम ख़त्म हुआ तब सैर करने निकल गए। तो देखिए तब से जुड़ा होगा, उसे बोलते हैं बच्चा मिश्र वाक्य। और यदि, अगर यदि से जुड़े हुए ना बच्चा, वो भी क्या होते हैं, मिश्र वाक्य हैं। अब देखिए यहाँ लिखा था ना, यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, ठीक है स्टूडेंट। ये थे स्टूडेंट हमारे रचना के आधार पर वाक्य हैं। इनमें से कोई भी कनेक्टेड वर्ड मिल जाए तो आप बता सकते हो कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे कि जो अर्थ के आधार पर 8 वाक्य हैं वो क्या होते हैं। धन्यवाद।